देखें यार मैं कितना फ्रेश लग रहा हूँ और इसको चेक करें, इसके पसीने निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बस ये कभी चलते नहीं ना इस्लामाबाद से, मैं आपको पता मैं अब्दाबाद में रहता हूँ, चलता फिरता रहता हूँ, हमारे तो रोज पानो पी होते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह हो चुकी है हमारी, सुबह तो नहीं अलबत्ता दिन हो चुका है, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। आज वैसे हमारा प्लान है ऊपर पहाड़ पे जाने का, तो खाना वगैरह भी हम जो है रात का वहीं पे बनाएंगे। सो जो चीजें वगैरह में जरूरत पड़ेंगी वो हम अभी लेने के लिए निकलेंगे। ये लोग इनको आप देखेंगे खेल रहे हैं ऑलरेडी, मैं और शुएब जाएंगे चीजें लेने के लिए, वो मेरा वेट कर रहा है। सो हम लोग चलते हैं। सो गाइस चलते चलते जो है हम लोग बस चली जा रहे हैं, इतना लंबा रास्ता है और खत्म नहीं हो रहा। अभी मेरे शोल्डर्स पे चेक करें, मुझे इतना ज्यादा पसीना आ गया हुआ, और इस तरफ आप चेक करें कितनी ज्यादा हाइट पे हैं हम लोग। और हमारे साथ आगे जा रहे हैं जी हाशिम भाई, और स्टिल थोड़ा सा रास्ता रह गया बस, जैसे आप इसकी हाइट देख लें। सो गाइस तकरीबन हम लोग जो है ऊपर हाइट पे आ चुके हैं, और सूरज जो है वो गरूब होने वाला है बिल्कुल। आप चेक करें शाम हो गई है, सूरज कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। थैला फंस गया है कांटों में, अगली साइड पे जाना है। और डॉग्स आ गए, डॉग्स। कम ऑन माय बॉय, डरने नहीं है, आई एम हियर विद यू। आ जाए आ जाए, कैसा रहा यार आपका एक्सपीरियंस? हाँ तो सीधा नहीं चल पा रहे आप, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। आपका जो ब्लॉगर इन सारा लेट निकला है, इसकी शक्ल लिखे, अभी शक्ल लिखे। देखें यार मैं कितना फ्रेश लग रहा हूँ, और इसको चेक करें, इसके पसीने निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। बस ये कभी चलते नहीं ना इस्लामाबाद से, मैं आपको पता मैं अब्दाबाद में रहता हूँ, चलता फिरता रहता हूँ, हमारे तो रोज पहाड़ो पे होते। सो फाइनली हमें यहाँ पे एक प्लेन जगह मिल गई है, और हमारा यहीं पे प्रोग्राम बन रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, वाओ। अपने हिस्से की लकड़ियां ले रहे हैं, अपने हिस्से की लकड़ियां। और भाई जो हैं यहाँ पे चढ़ाई डाल के बैठ चुके हैं। चलो भाई आओ। ये है जी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ। ये जुबैर भाई जो हैं लकड़ियां ले आए, और हमारे हाशिम भाई भी कॉटन का सूट पहन के लकड़ियां ले आए आग जलाने के लिए, और बाकी बॉयज जो हैं वो ये बैठे हुए हैं चीजें वगैरह वो काट रहे हैं। हमारे अली भाई टमाटर वगैरह काट रहे हैं, शेब भाई चेक कर रहे हैं कैसे काटते हैं। और तला भी लकड़ियां ला रहे हैं, वाओ। तला जो है वो लकड़ियां ले आए, ये चेक करें। थैंक यू यार, आज जुबैर भाई उन्होंने आग लगा दी, देखिए अब कब तक लगती है आग, लेकिन जुबैर भाई प्रो है, लगा लेंगे। ये देखें आग माशाल्लाह काफी तेज हो गई, चिकन पड़ा हुआ है बीच में, ये देखिए। फिलहाल जो कुकिंग जो है वो कर रहा है तला, पहले कहते मेरी वीडियो तंग ना कर। आग देखें माशाल्लाह काफी तेज हो चुकी है, और चिकन ऑलरेडी इसके बीच में पड़ा हुआ है। हाशिम भाई बना रहे हैं फिलहाल, हाशिम भाई कह रहे हैं मुझे भूख भी लगी हुई है लेवल, और देखें क्या बन के आता है। हम तो लगे हुए बनाने। ये देखें जी लहसुन जो है जुबैर भाई ने पूरा पूरा बीच में डाल दिया, पता नहीं इसकी क्या साइंस है। अरबी पुलाव है भाई। अच्छा ये जुबैर भाई शेफ है हमारे, यही कुछ बना के लाएंगे हमारे लिए, पता नहीं क्या बने। ये चावल डाल दिए जुबैर भाई, बना रहे हैं पुलाव। चिकन जो है वो ऑलरेडी बन गया था, और ऊपर से भी चावल जो है डाल दिए इसमें से। ये गए जी चावल बीच में, आग जो है जोरों शोर से लगी हुई, चावल इसमें डल चुके हैं ऑलरेडी, अभी ये बॉयल होगा तो फिर बनेगा। अंधेरा हो चुका है वैसे आप देखें, ये सारे बॉय जो है वीडियो बना रहे हैं। जेब में डाल लिए। सो गाइस फाइनल राउंड आ चुका है, और अभी जो है चावलों को पुलाव को जो है दम लगा दी हमारे जुबैर भाई ने, और अंधेरा चेक करें आप, नजर ही नहीं आ रहा।
अंधेरा हो चुका है, ये लगा हुआ चावलों को दम। हाँ हाँ माशाल्लाह। सो गाइस फाइनली जो है पुलाव बन चुका है, पहले ये चेक करें। ये बिरयानी भी है, ये पुलाव भी है और जायका तो यार खुशबू तो बड़े मजे की है माशाल्लाह। ऑल क्रेडिट गोज टू जुबैर भाई। ये पड़ी है प्लेट, तो बिस्मिल्लाह दो 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 बिस्मिल्लाह दो दो ठीक है ठीक है। पहले तो हम इसको ठंडा करें क्योंकि ये गर्म है, काफी गर्म है, ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अली शेप कैसा है? माशाल्लाह जी हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हड्डी डाली थी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।